मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी 230 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राज्य में 3 सीटों को छोड़कर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। राज्य में 5,03,00,000 से ज्यादा मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। मतदान से जुड़ी तैयारियों पर राज्यसभा टीवी संवाददाता नवविक्रम सिंह ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बातचीत की, आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। चुनाव की तैयारियों और मतदान पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मतदाता हैं, उन्हें जागरूक करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा मतदान बढ़ाने के लिए क्या पहल की है? देखिए, मतदान का प्रतिशत जो पिछले चुनाव में 72.66% था, इस बार हमने टारगेट रखा है कि कम से कम 80% मतदान हो। ये सुनिश्चित करने के लिए हमने सबसे पहले जो मतदान केंद्रों की संख्या वो 12,000 हमने बढ़ाया पिछले चुनाव से, ये लगभग 20% बढ़ोतरी है। और इससे किसी भी मतदाता को 2 किलोमीटर से ज्यादा जाना नहीं पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में बहुत ही घर से नजदीक उनको मतदान केंद्र मिलेगा। ऐसे में सुरक्षा के इंतजाम आप लोगों ने किस तरीके से किए हैं? देखिए, इस बार अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था है। पिछले बार से हमें 100 कंपनी जो केंद्रीय बल है वो ज्यादा मिला है और हमारे पास लगभग 2,00,000 सुरक्षा कर्मी है जो इन 65,000 मतदान केंद्रों में जाकर सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। उसमें 1,00,000 सुरक्षा कर्मी ऐसे हैं जो बाहर से आ रहे हैं। तो एक तरह से हमने जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उनमें ऐसी व्यवस्था की है कि जो केंद्रीय बल भी रहेगा और वहां पर वेबकास्टिंग भी होगी, सीसीटीवी भी होगा। इस प्रकार हमने डबल ट्रिपल व्यवस्था करके ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी क्रिटिकल मतदान केंद्र कल क्रिटिकल नहीं रहेगा, शांतिपूर्ण मतदान होगा। तेलंगाना में 7 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने दिग्गजों को मैदान में उतारा हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में बीजेपी को जीत दिलाने के मकसद से 2 चुनावी जनसभाएं की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार और अन्य विपक्षी दलों को कई मुद्दों पर घेरा। तेलंगाना में बीजेपी का झंडा बुलंद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महबूब नगर और निजामाबाद में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। राज्य सरकार को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना को बने 4.5 साल हो गए लेकिन राज्य आज भी विकास को तरस रहा है। महबूब नगर की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति और कांग्रेस मिलकर परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। विकास के लिए तेलंगाना बना, अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते तेलंगाना बना, लेकिन इन्होंने आकर के खुद ने भी पहले से ज्यादा अन्याय करना शुरू कर दिया, विकास की बातें छोड़ दी और जातिवाद की राजनीति करने पर तुले आए। इससे पहले प्रधानमंत्री ने निजामाबाद में चुनावी सभा की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का निर्माण सालों के संघर्ष के बाद हुआ है लेकिन राज्य सरकार जनता के साथ वादा खिलाफी करके लोगों के संघर्ष को बेकार साबित करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की सरकार ने राज्य के नौजवानों और किसानों को तेज गति से विकास का भरोसा दिया था जो पूरा नहीं किया गया। मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैं निजामाबाद को लंदन बनाऊंगा, स्मार्ट बनाऊंगा, लेकिन यहां तो बिजली, पानी, सड़क ऐसी सुविधाओं के लिए भी ये निजामाबाद के लोग तरस रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को विकास और नए भारत के निर्माण में विश्वास है उन्हें बीजेपी पर भी पूरा भरोसा है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में जनता जनार्दन से मौजूदा राज्य सरकार को सबक सिखाने की अपील की। प्रदेश विधानसभा की 119 सीटों पर 7 दिसंबर को होने वाले मतदान के लिए 1,821 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और राजस्थान के चुनावी रण का रंग लगातार चोखा होता जा रहा है। सभी दल चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज जालौर, सिरोही और पाली में जनसभाएं की।
इसके अलावा उदयपुर में रोड शो भी किया। अमित शाह ने अपनी जनसभाओं में राजस्थान में पिछले 5 सालों में हुए कामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 80 लाख घरों में शौचालय बनाकर राजस्थान की माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार बीजेपी की सरकार ने ही दिया है। ये कहते हैं कि राजस्थान में एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भाजपा आती है, एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भाजपा आती है। राहुल बाबा, ये सारे मिथक तोड़ने का काम हमारा है, हम भारतीय जनता पार्टी वालों का है। और इस पर इस साल मैं डंके की चोट पर राहुल बाबा को बताना चाहता हूं कि इस बार राजस्थान में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। राजस्थान में बीजेपी ने अपना किला बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जयपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मौजूदगी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पार्टी का गौरव संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी के गौरव संकल्प पत्र में कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। गौरव संकल्प पत्र में किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा शिक्षित बेरोजगारों को 5,000 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया गया है। हर साल करीब 30,000 सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य, स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में 50 लाख रोजगार सृजित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राजस्थान में नगरों का विकास वसुंधरा राजे की बड़ी उपलब्धि है। पार्टी ने 40 सालों के बाद वन रैंक वन पेंशन का नियम लागू किया है। पार्टी की सारी कोशिशें हैं कि आम आदमी तक लाभ पहुंचाया जा सके। राजस्थान में बड़े नगरों का विकास और नगरों का विकास इस प्रकार से हुआ जो देश के बहुत कम राज्यों में हुआ है। ये वसुंधरा जी की पहली टर्म में भी हुआ, रूरल आउटरीच का भी एक प्रयास हुआ, और उसके साथ साथ इस बार जो ये इकोनॉमिक मॉडल, क्योंकि केंद्र में भी अपनी सरकार है और दोनों के संयुक्त प्रयास के साथ ये जो साधनों को गरीब तक पहुंचाना, और जो मुख्यमंत्री जी कह रही थी कि 3.5 लाख लोग आए और वो सब लाभार्थी थे, ये उनका अधिकार था। हम लोग चाहते हैं कि देश में कोई ऐसा परिवार ना बचे जिस तक सरकारी साधनों का और उसके माध्यम से गरीबी उन्मूलन की जो योजनाएं हमारी हैं, गरीबी से मुक्ति प्राप्त करने की जो योजनाएं हैं, जो उसका लाभ उस तक ना पहुंच पाए। किसानों की आय प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम लोगों को कि उसको दुगना करने की जरूरत है। अगर उसको हमें दुगना करना है तो फसलों की लागत का 1.5 गुना भाव उसके अंदर मिलना सुनिश्चित करने की दृष्टि से हमने MSP की खरीद की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनाने का काम करेंगे। किसानों की आय को कृषि केंद्रित 250 करोड़ रुपए का ग्रामीण स्टार्टअप फंड अलग से हम बनाने का काम करेंगे, क्योंकि जैसे हमने IT के अंदर पैसा दिया है स्टार्टअप फंड्स के लिए, उसी तरीके से हम मानते हैं कि पढ़े लिखे बच्चे इस कृषि केंद्रित 250 करोड़ का ग्रामीण स्टार्टअप फंड्स का फायदा ले सकेंगे। सहकारी कृषि ऋण के विस्तार के लिए नए सदस्यों को ऋण देने के लिए हम लोग अभियान चलाकर 1 लाख करोड़ कि सहकारी ऋण अगले 5 साल के अंदर देने का काम करेगा।